चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें क्या बोला कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, देखिए डायग्राम में ए बी सी एंड ए एम पी आर द राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट एंगल एट पॉइंट बी एंड एम। ठीक है, एक पे बी है और एक पे एम है 90 डिग्री। हमें प्रूव करना है ये जो दोनों ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, दोनों के डायग्राम थोड़े से साइड में बना देते हैं। ये बना दिया हमने सी बी ए, एक तो ले लिया ए बी सी और एक ले लिया हमने, किसको प्रूव करना है अपने को, ए एम पी। तो ए ले लिया, एम ले लिया, पी ले लिया। अब इसको ढंग से देखिए, ये जो ए बी सी है इसका जो एंगल ए है, अगर आप मेन डायग्राम देखें तो वो ए एम पी के एंगल ए के इक्वल है, क्योंकि दोनों एंगल कॉमन है, बोथ आर कॉमन, कंप्लीट एंगल कवर हो रहा है एंगल ए, और एंगल बी और एम तो 90 है। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, ए ए क्राइटेरिया। तो क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, देखना समझना ये जो पूरी एक्सरसाइज है, इसमें तुम यही देखो कि जिन ट्राइंगल्स को आपको सिमिलर करना है उनको एक तरफ बना लो पहले, तो फिर उसके बाद देखिए एंगल्स वगैरह मेजर करके अपने आप समझ में आएगा क्या करना है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए विच इज अ कॉमन एंगल, पहली बात। तो फिर उसके बाद क्या दे रखा है कि एंगल ए बी सी का जो बी है वो ए एम पी के एंगल एम के इक्वल है, विच इज ऑफ 90 डिग्री। सो कौन सा क्राइटेरिया लगा, बाय ए ए क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी बिकम सिमिलर विद ट्राइंगल ए एम पी। और अगर ये सिमिलर हुआ तो ये तो पार्ट वन प्रूव हो गया इसका, ठीक है। अच्छा, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। तो यहां से अगर मैंने सी ए लिखा तो सेकेंड तरफ मैं पी ए लिखूंगा, देखो ये सी ए और ये पी ए, फिर मेरे को बी सी की रिक्वायरमेंट है, तो यहां से मैंने बी सी लिखा सेकेंड थर्ड को, तो वहां से लिख दिया एम पी। अगर आप इसको भी कंपेयर करोगे तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। तो सिर्फ हमको ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना था, सिमिलर प्रूव करते ही हमने सिमिलैरिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग साइड्स को करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल बना दिया। होपफुली क्लियर हो गया होगा, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं कि सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द एंगल बायसेक्टर्स ऑफ एंगल सी एंड एंगल जी सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ई एफ जी। चलिए पहले तो डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद इजीली समझ में आ जाएगा। ये ट्राइंगल ए बी सी बना दिया और ये दूसरा ट्राइंगल ले लिया एफ ई जी, तो जिस तरीके से दिया हुआ है, सॉरी ई एफ जी, तो ये ई ले लिया, ये एफ ले लिया और ये जी ले लिया, ठीक है। ये भी गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है, ठीक है, ये भी गिवन है। अब क्या बोला कि ए सी बी का जो बाइसेक्टर है, ये ए सी बी का बाइसेक्टर बना दो, ये ऐसे ही बनेगा बाइसेक्टर, और ऐसे ही एंगल जी का भी बाइसेक्टर बना दो, ये बाइसेक्टर बन गया। ये किन पॉइंट्स पे मिल रहे हैं, ए बी सी में तो डी पे मिल रहा है और ई एफ जी में एच पे मिल रहा है, चलिए ये भी बना दिया। अब हमें क्या बोला, हमें बोला है कि इफ बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन प्रूव दीज पार्ट्स, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो यहां से वी कैन से कि एंगल ए जो होगा वो एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल बी एफ के इक्वल होगा और एंगल सी जो होगा वो एंगल जी के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर दे रखे हैं। अब देखिए ये एंगल सी का बाइसेक्टर है और ये एंगल जी का बाइसेक्टर है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कंप्लीट सी और जी इक्वल थे तो अगर मैं इन दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी ये इक्वल ही होंगे, मतलब अगर पूरे पूरे पोर्शन इक्वल है तो आधे आधे पोर्शन इक्वल होंगे। तो ये कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैंने इसको थीटा माना तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, अगर ये सी एंगल 2 थीटा है तो जी भी 2 थीटा होगा अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन, तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो एंगल है करस्पॉन्डिंगली ये इक्वल आ जाएंगे बाइसेक्टर्स के बाद भी। चलिए अब देखते हैं सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई जी, ये प्रूव करना है। अच्छा, अगर साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूव करना है तो क्यों ना ट्राइंगल्स को ही सिमिलर प्रूव कर दें। तो टेकिंग दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल में देखो क्या क्या है कि ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, पहली बात। तो दूसरी बात क्या है कि ये जो एंगल है ये एंगल ई के इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि वो तो पहले ही दे रखा है ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो बाय ए ए क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, जिससे ये पार्ट सी भी प्रूव हो जाएगा। देखो सी में यही तो बोला है कि प्रूव दैट दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो चलिए इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ क्या क्या लिखा मैंने, कि डी सी ए का जो एंगल सी है वो
HGF के एंगल G के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि जो हाफ ऑफ एंगल C है वो हाफ ऑफ एंगल G के भी इक्वल होगा, पहली बात। तो फिर दूसरा क्या हमारे पास है कि A जो एंगल है, एंगल A वो दूसरा ट्राइंगल जो है HGE, लो यार ये ऊपर वाला ट्राइंगल ले रहे हैं अपन, तो इट इज HGE। तो यहाँ पर ये एंगल E के इक्वल होगा। ये पहले हम सेकेंड पार्ट प्रूव कर रहे हैं, याद रखिएगा पहले हमने सेकेंड पार्ट प्रूव करना है, फिर उसके बाद थर्ड प्रूव करेंगे। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ई आ गया। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद ट्राइंगल FEG, और अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो एंगल ए एंगल ई के इक्वल होगा। तो फाइनली क्या आ गया, बाय AA क्राइटेरिया ट्राइंगल DCA बिकम सिमिलर विद ट्राइंगल HGE। अच्छा, अगर ये दोनों सिमिलर होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे, तो कैन बी से कि CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन GE। ये तो पहला पार्ट हो गया, AC अपॉन GE। और ये जो हमने प्रूव किया ये कौन सा पार्ट हो गया? सेकंड पार्ट हो गया। एक्चुअली पहला पार्ट जो है उसमें AC अपॉन GF है, तो वो नहीं हुआ। तो ये जो हमने प्रूव कर दिया ये कर दिया पहले सेकंड पार्ट। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो पूरा ही प्रूव करना है। तो हमने जब ऊपर ऊपर वाले ट्राइंगल को प्रूव किया तो सेकेंड पार्ट सिमिलर आ गया। अब ऐसे ही नीचे नीचे वाले ट्राइंगल ले लो, एक ये वाला ट्राइंगल ले लो और एक ये वाला ट्राइंगल ले लो। इसमें भी देखो क्या क्या इक्वल है कि हाफ ऑफ एंगल सी हाफ ऑफ एंगल जी के इक्वल है, और ये जो एंगल बी है ये इस एंगल एफ के इक्वल है, क्योंकि ये तो पहले से इक्वल दे रखे हैं। तो बाय ए क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, सिमिलरली ट्राइंगल BDC वुड बी सिमिलर विथ ट्राइंगल FH, पहले एच आएगा, FHG बाय विच क्राइटेरिया, AA क्राइटेरिया। एक्सप्लेन मैंने ट्राइंगल में पहले ही कर दिया है डायग्राम में, और कैसे लिखना है वो मैंने लेफ्ट में बता दिया। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए तो ये तो देखो पार्ट सेकंड प्रूव हो गया इस क्वेश्चन का, पार्ट थर्ड, ठीक है। और अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो बाय सिमिलैरिटी वी कैन से कि CD अपॉन GH इज इक्वल टू BC अपॉन FG। और देखो ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का जो हमें प्रूव करने के लिए बोला था, तो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया लेकिन होपफुली समझ में आ गया होगा। पहले क्या करना, पहले तो नीचे नीचे वाले ट्राइंगल सिमिलर कर दो जिससे कि हमारे पास पार्ट थ्री प्रूव हो जाए और उसके करस्पॉन्डेंस से पार्ट वन आ जाए, और फिर पार्ट टू तो तुम्हें आता ही है ऊपर ऊपर वाले ट्राइंगल प्रूव करके। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 10 एंड होपफुली ये भी समझ में आ गया होगा। तो हमने एक क्वेश्चन तो देखा था इसमें पहले, जिसमें दो ट्राइंगल को हमने सिमिलर कर दिया था ए क्राइटेरिया से, और 10th वाले क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया, पहले नीचे वाले ट्राइंगल्स को सिमिलर किया, फिर ऊपर वाले ट्राइंगल्स को सिमिलर किया, जिससे हमारे तीनों पार्ट प्रूव हो गए। एंड होपफुली दिस इज क्लियर। चलिए, थैंक यू।